16वीं सदी के आते आते अंग्रेज भारत पर कदम रख चुके थे। 17वीं सदी के आते आते इन्होंने भारतीय रियासतों और राजा रजवाड़ों के राज्यों में हस्तक्षेप करना चालू कर दिए थे। और 18वीं सदी तक आते आते इन्होंने भारत को ऐसा गुलाम बनाया कि सारी कार्रवाई इनकी भाषा इंग्लिश में होने लगी। और आप समझ जाइए कि जिस देश की भाषा ही बदल जाए तो उसकी संस्कृति सभ्यता ही क्या बचेगी। बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेजों की नजर अवध पर थी, और अवध को जीता भी और हड़पा भी। और हड़प नीति को एक दो दिन में नहीं हुई, अंग्रेज पहले आए, यहाँ के लोगों को देखा, समझा, यहाँ के सिस्टम को जाना, और उसके बाद बहुत सारी चीजें अपनी किताबों पर उतारा भी, और यहाँ के लोगों को उन्होंने असभ्य बताया। अब जो लोग इनके खिलाफ थे या जो जातियां इनके खिलाफ थी उनको अंग्रेजों ने चोर, डकैत, लुटेरे कहकर बदनाम किया। और इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने लंदन से बड़े बड़े स्कॉलर्स बुलाए, बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया, खर्च किया, क्योंकि उनको पता था जो आज हम किताब लिखवाएंगे उसी का असर फ्यूचर में बना रहेगा, क्योंकि हम जो लिख के जा रहे हैं वही सत्य मानेंगे दुनिया वाले। उनका पॉइंट ऑफ व्यू साइंटिफिक जरूर था, लेकिन निगेटिविटी भर भर के डाली बहुत सारी जातियों के बारे में। तो आज मैं एक उन्हीं के द्वारा लिखा गया आज एक ऐसा लेटर या ऐसा लेख आपको दिखाने जा रहा हूँ जो आप 1852 और 1859 के दशक समय की है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। और उन लेखों के हिसाब से आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे अंग्रेज हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते थे और कैसे यहाँ से इन्फॉर्मेशन लंदन भेजते थे और लंदन में वो पब्लिश होती थी। तो चलिए देखते हैं अंग्रेजों की नज़रिए से कि वो हमारे बारे में क्या राय रखते थे। 1859 की एक किताब पब्लिश हुई और वो किताब अवध इट्स पास्ट एंड इट्स फ्यूचर के नाम से है, जिसके पेज नंबर 442 में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों ये किताब 1859 में जरूर छपी थी, लेकिन जो ये लेख है ये 1852 में छपा था वहाँ के एक आर्टिकल में, लंदन के आर्टिकल में। तो जो ये सामने आप देख रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा आर्टिकल था, और इसमें अब क्या लिखा है वो मैं आपको सामने दिखाऊंगा भी और उसका ट्रांसलेट भी करूंगा। द पासी लिव चीफली इन द बांगरा डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ दिस किंगडम। दे आर जनरली शॉर्ट, स्क्वायर शोल्डर एंड वेल बिल्ट। राज्य के उत्तरी भाग में बांगरा डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से पासी रहते हैं। ये आमतौर पर मध्यम कद के, चौकोर कंधे वाले और अच्छी तरह से निर्मित होते हैं। क्योंकि पैराग्राफ में बात हो रही है फिजिकल कैपेबिलिटी की, तो उस टाइम पे जो पासी थे इनकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी थी। और ये जो बांगरा डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पर मुख्यतः पासियों का गढ़ बन चुका था, और यहीं पर अंग्रेजों से मुठभेड़ें भी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। दे आर ब्रेव, एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग एंड कैरेक्टरिस्टिक पैराडॉक्सिकल एज इट मे अपीयर एज मच बाई देयर ऑनेस्टी एज फॉर देयर एक्सट्रीम रनिंग एंड डिसिटफुलनेस दे सेल्डम टिल द सॉयल एग्रीकल्चर इज नॉट देयर फॉर टी। दे आर ब्रेव, ये बहादुर थे, सक्रिय थे, मजबूत थे, ये चरित्रवान थे। इनकी विशेषताएं थी ईमानदारी इनकी चरम पर थी, लेकिन जो चालाक होते थे उनको वैसा ही व्यवहार करते थे। ये मिट्टी तक शायद ही कभी गए हों, कृषि संस्कृति इनके लिए नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जो खेती किसानी था ये पासी नहीं करते थे, उसमें ये प्रोफेशनल नहीं थे, क्योंकि इनका काम था लड़ना या चौकीदारी करना या सुरक्षा पहरा करना, ये उनका पेशा था, क्योंकि यही करते आए थे। क्योंकि राज करने वाली, शासन करने वाली जाति कभी खेती किसानी नहीं करती थी, और यही कारण था कि इनकी जो प्रवृत्ति थी ये लाखों प्रवृत्ति थी। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको रिपोर्ट भी कई दिखा चुका हूँ कि अवध के हर एक तालुकदारों के यहाँ पर पासियों की फौजें होती थी, क्योंकि इनका काम ही वही था। और जैसा कि पहले की रिपोर्ट में आपको दिखाई चुका हूँ कि पासी जो होते थे अवध के हर एक तालुकदारों के यहाँ सैनिक होते थे, 2 से 2500 की फौजी होती थी, पासी फौजी होती थी। तालुकदार जो होते थे पासियों को रकम देते थे और उनको अपने तरफ लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। तो पासी जो सरदार होते थे वो उनसे रकम लेते और उनके तरफ से लड़ते थे। किसी खिलाफ हर तालुकदारों का कोई ना कोई दुश्मन होता था। जमीन का मसला बहुत होता था, जो विवाद नवाबों के यहाँ भी सुलझाया नहीं जाता था, कोर्ट कचहरी में भी सुलझाया नहीं जाता था उनके दरबार में। तो जो तालुकदार ताकतवर होते थे तो वो पासियों को रकम देते और अपने साथ लड़ने के लिए बोलते। और कई सारे ऐसे किस्से और कई सारी रिपोर्ट ऐसी मिलती हैं जिनसे जिनमें पासियों का इस्तेमाल तालुकदारों ने किया था। तो अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। जो हिंदू मुस्लिम तालुकदार जो अवध में थे कुछ मात्रा में, जो सारे उनके गुलाम नहीं थे, कुछ विद्रोही थे, तो वो पासियों का ही इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करते थे। तो अंग्रेज जानते थे कि इन तालुकदारों कि जो ना सही पासी हैं, पासी नहीं रहेंगे तो तालुकदार भी नहीं रहेंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा है। दे आर प्रोफेशनल थीव्स एंड स्टिल एवरीथिंग दे कैन ले अ हैंड ऑन फ्रॉम अ हॉर्स डाउन टू पेयर ऑफ ओल्ड शूज। यानी कि अंग्रेजों का मानना था ये पेशेवर चोर हैं, हर चीज को चुरा सकते हैं, कुछ भी, जो घोड़े से नीचे पुराने जूतों की जोड़ी तक होती है। दरअसल यहाँ होता क्या था कि अंग्रेजों के जो खजाने होते थे और अंग्रेजों के जो गोला बारूद बंदूकें रखने की तहखाने होते थे जिन पर ये कड़ा पहरा लगा के रखते थे, तो पासी क्या थे, ये सुरंग खोदने में बड़े माहिर थे, इनका इतिहास यही है। तो ये क्या करते थे, नीचे सुरंग खोद कर ले जाते थे, इतना सटीक सुरंगें होती थी कि वहां से गोला बारूद खजाना सब निकाल लाते थे, तो अंग्रेजों को पता भी नहीं चलता था। अंग्रेज इससे बड़े परेशान हुए, और सबसे प्रशांत तो रेजिडेंसी में हुए थे 1857 की क्रांति में।
और 57 की क्रांति में रेजिडेंसी में जब विदेशी फौजियों के पास बंदूकें नहीं थी, खत्म हो गई थी, अब अंग्रेजों के पास तो पूरा लाओ लश्कर आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, बेगम हजरत महल के आदेश से इन्होंने ऐसी सुरंगें खोदी, सीधे उनकी गोला बारूद तक पहुंच जाती थी और वहां से निकाल लेते थे, तो अंग्रेजों को पता भी नहीं चलता था, वो बड़े परेशान हो जाते थे ये कैसे हुआ। और जो अगस्त का महीना था, ये स्पेशली पासी माइनर्स का महीना था, उस अगस्त के महीने में इतनी सुरंगें लगाई गई पासियों के द्वारा कि अंग्रेजों के तो परकच्चे उड़ गए थे। और अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अवध के अंदर सुरंग तो पास ही लगाते हैं, तो इनके माइंडसेट में एक बात बैठ गई कि भैया ये सब कुछ निकाल लाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं ये लोग। दोस्तों आगे इनके लड़ने के तौर तरीकों के बारे में बताया गया है, लिखा है इन फाइटिंग दे मेक यूज ऑफ बो एंड एरो, यानी धनुष तीर का प्रयोग करते थे, एंड थ्रग देयर प्रैक्टिस एंड स्ट्रेंथ विद अनरिंग एम, देयर बो हैज जनरली अ डबल कर्व एंड इज मेड ऑफ हॉर्न। यानी इसका मतलब हुआ कि लड़ने में वो धनुष तीर का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, और अपने अभ्यास और ताकत के माध्यम से बिना किसी उद्देश्य को वो अपने एम को पूरा करते हैं। उनके धनुष में सामान्य रूप से एक डबल वक्र होता है और ये सींग से बना हुआ है। दोस्तों यानी जो पासियों के जो धनुष थे उनके बारे में भी डिटेल दी थी कि भाई पासियों का जो धनुष था ये बड़ा स्पेशल था, ये डबल वक्र का होता था, उसमें डबल डोरियां भी होती थी, अगर एक डोरियां टूट जाए तो दूसरी डोरी भी लगा दिया जाए, तो ऐसे सिस्टम से काम करते थे पासी लोग। When using it, they support it on the ground and bend it with their toy and right hand. यानी इसका उपयोग करते समय एक छोर जमीन पर टिकाते थे और अपने पैर के अंगूठे से और दाहिने हाथ से झुकाते थे। But their mode of warfare is chiefly a guerrilla system. यानी कि इनका लड़ने का जो तरीका था पासियों का, ये गुरिल्ला सिस्टम के तहत यानी छापामार युद्ध पद्धति के तहत ये करते थे। यानी कि जो पासी थे ये छापामार युद्ध करने में बड़े माहिर थे। आगे देखते हैं, लिखा इन दी बंगलोर डिस्ट्रिक्ट द रिपोर्ट ऑफ गन ब्रिंग टुगेदर थाउजेंड ऑफ दोज ब्रेव लिटिल फॉलो फॉर बाय म्यूचुअल कॉम्पैक्ट दे आर बाउंड टू असिस्ट एनी जमींदार हु मे चूज टू डिक्लेयर हिमसेल्फ अगेंस्ट द किंग चकलीदार। बांगर जिले में बंदूकों की खरीद फरोख्त में जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें हजारों की तादाद में छोटे छोटे साथी बहादुर किसी को भी दबाने के लिए जमींदारों की सहायता के लिए बाध्य होते हैं, जो खुद की इच्छा से खुद को राजा के चकलेदार के खिलाफ चुन सकते हैं। दोस्तों करप्शन तो हर जगह होता था, तो ये भी जान लीजिए कि जो ब्रिटिशर थे वो भी, उनके भी कुछ अधिकारी होते थे जो बंदूकों की खरीद फरोख्त हिंदुस्तानियों को कर देते थे, तो उसकी जो रिपोर्ट बांगर डिस्ट्रिक्ट में दर्ज हुई थी। दूसरी तरफ ऐसा बताया गया है कि वो लोग जो खुद को नवाबों के खिलाफ स्वतंत्र घोषित दे, ये उनके तरफ से हो जाते थे। They are often employed as a watchman and chowkidars and as a such prove remarkably faithful and honest. अक्सर लोग ये समझते हैं कि वॉचमैन और चौकीदार एक ही होता है, लेकिन डिफरेंस है। वॉचमैन मीन्स होता है निगरानी करने वाला, पैरा देने वाला, और चौकीदार का मतलब ये होता था कि पहले जो राजा होता था, राजा के नीचे तालुकदार, फिर जमींदार, जमींदार के नीचे फिर होता था चौकीदार, जो चार पांच गांव का वो मालिक बना दिया जाता था उसकी निगरानी और रखवाली करने के लिए। तो ये बताया गया है कि ये अक्सर प्रहरीदारी और चौकीदारी के रूप में कार्यरत हैं और इस तरह से उल्लेखनीय रूप से वफादार और ईमानदार साबित होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा एक बहुत बड़ी बात और भी, ये प्रोफेशन का इनका क्या काम था। अ मैन मे सेंड देम विद एनी सम ऑफ मनी हाउएवर लार्ज विदाउट फेयर ऑफ देयर अप्रोशिएटिंग द लीस्ट पार्ट ऑफ इट, बट वेन दे आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल दे रॉब एंड स्टील ऑफ देयर हर्ट कंटेंट। दरअसल होता क्या था दोस्तों, ये पासी चौकीदारी और पहरेदारी के अलावा एक और काम करते थे, वो था टैक्स कलेक्टर के लिए, यानी कि लगान वसूली के लिए। तो इनको जो है लगान वसूलने के लिए भेजा जाता था और उनको उनकी रकम तय की जाती थी, यानी तालुकदारों की तरफ से पासियों की रकम तय की जाती थी कि भाई हम तुमको इतना रुपया देंगे और तुम जाके वसूल के लाओ। और अगर तालुकदार चालाकी करता था तो पासी क्या करते थे, जो टैक्स वसूल के लाते थे उनको ही उसको लूट लेते थे, कि धोखा पसंद नहीं था पासियों को। यानी कि कोई तालुकदार जमींदार जो था तय की गई रकम अगर पासियों को नहीं देता था तो पासी उनसे ज़बरदस्ती ले लेते थे। दूसरी बात ये कि जब टैक्स पहुंचाना होता था राजाओं के पास या नवाबों के पास में, तो पासियों को ही चुनते थे, क्योंकि पासी के अलावा कोई उनको मिलता नहीं था, कि वफादार भी थे, बात के पक्के थे, ईमान के सच्चे थे, इसलिए सबकी पसंद थे ये। आगे लिखा दे आर टू लार्ज रज पसिया और चीफ ऑफ दिस पासी कास्ट बट अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन सर्व अंडर तालुकदार एंड आर्म रिटेनर्स। दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि 1850-52 तक पासियों के सरदार या तालुकदार बड़े पावरफुल थे, जो पासी जाति के थे। तो ये क्या करते थे, ये अपने से भी बड़े जो तालुकदार होते थे तो ये अपने सैनिकों को उनकी सेवा में लगा देते थे जब भी जरूरत पड़ती थी। यानी कि जैसे किसी भी तालुकदार का अपने पड़ोसी तालुकदारों से झगड़ा हो गया तो एक तालुकदार पासियों से उनकी फौजें मांग लेता था, तो पासी अपनी फौजें उनको दे देते थे और बदले में रकम और एरिया का कुछ हिस्सा ले लेते थे। देयर कास्ट इज अ वेरी लो वन इन द हिंदू स्केल ऑफ ग्रेजुएशन। यानी कि ये बताया कि हिंदुओं के अनुपात में पासियों की संख्या कम है। अब हिंदू उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे हिंदू जो था ब्राह्मण और राजपूत या क्षत्रिय होते थे। इसके अलावा जो पासी थे या भर थे ये हिंदुओं में नहीं आते थे, इनको अलग से गिना जाता था।
दी रंजर सर। दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी जाति के बारे में बताया गया है और वीडियो भी लंबी हो रही है, तो यहाँ नीचे से देखते हैं। वियर एल्डरटोन लॉस्ट हिज लाइफ द पासी इज वियर द चीफ डिफेंडर ऑफ द फोर्ट। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था कि 1850 और 51 के करीब में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था पासियों के खिलाफ। अंग्रेजों ने एक मिशन छेड़ा था, वो कहाँ था, बाराबंकी का देवा कासिमगंज के तरफ। जो राजा पासी राजा गंगा बगा शरावत थे, तो उनके किले पर जो हमला किए थे अंग्रेज लोग, तो उसमें जो एल्डरटोन कैप्टन जो लीडरशिप कर रहा था वो मारा गया था पासियों के हाथों से, वही बताया गया इसमें। यानी ये बताया गया जो एल्डरटोन था उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी, क्योंकि पासियों ने किले को चारों तरफ से सुरक्षात्मक तरीके से घेर रखा था और बचाया था। और जैसा आप जानते हैं कि 1835 से 1850 तक पासी राजा गंगा बगेश रावत जी थे, बहुत ही बड़े खतरनाक थे इस एरिया के, बाराबंकी के, तो वो उनका एक अलग महत्व था। और इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, आप जरूर देखिएगा बाकायदा, ये दो पार्ट तीन पार्ट चार पार्ट है, आप इसको देख कर पासी राजा गंगा बगेश रावत के बारे में जान सकते हैं इनकी क्या महत्व थी उस टाइम पर। तो दोस्तों जो उनकी पासी किले पर लड़ाई हुई थी जो बाराबंकी में कासिमगंज में था, तो दोस्तों ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक फोटो मिलती है, ये कासिमगंज की बताई जाती है और बहुत ऊंचा था, तो ये हो ना हो ये राजा गंगा बगेश रावत का ही ये जो मुड किला कहते थे ये किला था और यहीं पर लड़ाई हुई थी। और उस टाइम के जो किले होते थे मिट्टी के किले होते थे, ये आप सामने देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी में ये फोटो बनाई गई थी, आज भी सेव है। और जो इनके किले होते थे ये ऊंचे टाइप में होते थे और चारों तरफ से गड्ढे होते थे। तो जो मुड किला है ये स्पेशली पासियों के लिए ही बताया गया अंग्रेजों के द्वारा, कि जो मुड किले पे पासी रहते हैं, पासियों के सरदार मुड किलों पे रहते हैं और बड़े खतरनाक होते हैं, तो ये वही मुड किला है। तो दोस्तों जो आर्टिकल ये छपा था ये 1852 के करीब में छपा हुआ था, उससे पहले ब्रिटिशर यहाँ पे बहुत कायदे से जांच पड़ताल कर चुके थे, यहाँ के लोगों के बारे में जान चुके थे, तो ये यहाँ से जो रिपोर्ट भेजकर लंदन में भेजते थे, तो लंदन में छपती थी। तो दोस्तों जो मैंने बताया आपको, तो ये जो पैराग्राफ था जो छपा था, ये इसका पूरा अंश मैंने आपको बताया है, दिखाया भी है। और दोस्तों जाते जाते एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी सीजनल पेपर था, ये हाउस ऑफ लॉर्ड था, ये वॉल्यूम 4 की किताब, ये भी 1859 में छपी थी। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है पासियों के बारे में, एक शॉर्टकट डिटेल दी गई है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपके सामने है। ये इसके पेज नंबर 9 पर देखने से ये पता चलता है कि पासियों के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की थी उन्होंने सारांश में क्या लिखा था। तो ऑफ दिस पासी आर द मोस्ट मेमोरियस एंड इंपॉर्टेंट, यानी पासी जो है सबसे अधिक और महत्वपूर्ण है। स्किल इन द यूज ऑफ द बो एंड एरो, यानी ये धनुष तीर चलाने में बड़े माहिर होते हैं ये। दे लिड अ लॉलेस प्रेडेटरी लाइफ, यानी कि ये कानूनहीन शिकारी जीवन जीते हैं, यानी कि किसी कानून को नहीं मानते ये। यू आर रेडी एट द कॉल ऑफ अ चीफ टू फाइट ऑन अदर साइड, ये अपने सरदारों की एक आवाज़ में तुरंत किसी की तरफ से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो किसी का भी पक्ष क्यों ना, कोई भी मामला क्यों ना हो। देयर एक्टिविटी फियरलेस डेयरिंग एंड एट द सेम टाइम देयर सिंगुलर फिडेलिटी व्हेन इंटरेस्टेड विद द चार्ज प्रोसीजर फॉर देम रेडी सर्विस एज अ विलेज वॉचमैन, यानी इनकी जो गतिविधियां देखी गई हैं वो निडरता से भरी हैं, साहस से भरी हुई हैं। और एक ही समय कोई काम इनको सौंपा जाता था तो एक स्पेशली इनको गांव की चौकीदार के रूप में तैयार किया जाता था, तो ये उस काम को स्वीकार करते थे और उसको सही ढंग से करते थे। तो दोस्तों ये सारी आज जानकारी मैंने आपको दिया है, अभी तक किसी ने भी ये जानकारी आपको नहीं दिया है। और दूसरी बात ये दोस्तों मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो 1852 के समय यहाँ पर जब ब्रिटिशर थे तो यहाँ की जो एक्टिविटी होती थी पासियों के बारे में बाकायदा वो उन्होंने नोट करते थे और वही चीज़ वो लिखते पढ़ते थे। तो उन्हीं में से एक लेटर था जो मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप जानें कि पासी उस टाइम से लेकर क्या काम करते थे। और दोस्तों एक रिपोर्ट ऐसी भी मिली है जो 1854 की है, जो क्राइम रिपोर्ट थी, उसमें पासियों ने क्या क्या कामों का अंजाम दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वो भी है। और कई सारे से जमींदारों का भी नाम मिलता है, वो ज्यादा बड़े तो नहीं होते थे लेकिन जमींदारों की संख्या पासियों की बहुत ज्यादा थी अवध में, बाराबंकी से लेकर सीतापुर का जो एरिया है ये अपना, बहुत ही ज्यादा थी। तो दोस्तों आज जो मैं ये इतिहास आपको बता रहा हूँ, शायद अभी तक हमारा इतना बड़ा इतिहास किसी ने बताया ही नहीं या कोई बताने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि पासियों को जो इतिहास है इतना बड़ा है कि सारे लोगों का इतिहास इनसे जुड़ा हुआ है, तो इनको ही दबा के रखो। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा, सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाता रहूँगा, सारी चीज़ पब्लिक करता रहूँगा। बस आप लोग इतना करिए कि वीडियो को देखिए, शेयर करिए और सभी भाइयों को पहुँचाइए, ये बात बताइए कि हमारा जो अतीत था वो बहुत ही गौरवशाली था। और दोस्तों अभी तो इस कड़ी में बहुत कुछ दिखाना बाकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज की जानकारी बस इतनी ही, आगे फिर मिलेंगे, बहुत ही स्पेशल जानकारी लेकर आऊँगा, सबके सामने रखूँगा। तब तक लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, कभी भी हमारी कोई वीडियो मिस ना करें।